हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। जी बिल्कुल, स्पेशली जो इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो SEC के ऊपर है। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के ऊपर मेरा टॉपिक है। जी बिल्कुल, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगा, क्योंकि अभी जो हम कहें तो भाई SEC ने बहुत बड़े एक्शन लिए हैं। हमने देखा है कि माजी में भी उसकी वजह से हमें जो मार्केट में काफ़ी एक उतार चढ़ाव देखना क्यों मिला है, क्योंकि SEC की वजह से जो जैसे ही कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ आती है या बुरी न्यूज़ आती है तो मार्केट उसी तरह मूव करने देखने को मिलती रहती है। तो रिसेंटली हमने देखा कि SEC की हवाले से जो ट्रॉन के फाउंडर है उसके लिए लीगल नोटिफिकेशन और दो नोटिफिकेशन इसके साथ एक और भी SEC की तरफ से इशू किए गए। एक तो लोगन पावल को इशू किया गया, दूसरा कॉइनबेस को भी इशू किया गया। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे हमारी जो मार्केट है वो किस तरह मूव कर रही है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। तो वो सारी की सारी जो बातें हैं वो इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूं, आई रिक्वेस्ट यू इफ यू हैवन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। जल्दी जल्दी जाके वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएँ, साथ में बैल के आइकन को दबाएँ, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी क्वाइन हो, कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी कंटेंट हो या कुछ भी निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस चीज़ को मिस ना कर सकें। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू इफ यू हैवन सब्सक्राइब तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई देखो, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी रिसर्च करके फिर भी किसी कॉइन में पैसा लगाया करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी सेविंग, आप कितनी मेहनत से सेविंग करते हैं, और उसको अगर आप मेरे कहने पर किसी कॉइन पर लगा दें और वो डंप हो जाए तो फिर आप मुझे ही गालियाँ देते रहोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी रिसर्च करके फिर उसी कॉइन में पैसा लगाया करें और अपनी सारी सेविंग वगैरह नहीं लगाया करें। तो यहाँ पे हम विदाउट इन्वेस्टिंग इन टाइम अभी चलेंगे अपने कंटेंट की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि भाई बिटकॉइन अभी चल रहा है $27,614 पे, और जो हमने देखा है कि भाई ये पिछले 24 घंटों में 2.4% जो है वो डाउन जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1752 पे हमने देखा कि भाई जो हमारा इथेरियम मूव कर रहा है जो 3% डाउन जा चुका है। PNB तकरीबन 323 पे मूव कर रहा है जो 4% डाउन जा चुका है। और यहाँ पे हमने देखा XRP 9.2% डाउन है, कार्डानो 5.1% डाउन है, डोजकॉइन 2.5% डाउन है। तो ये सारे किसी जो मार्केट है हमने देखा है कि एक अच्छी खासे डाउन ट्रेंड की तरह मूव कर रही है। तो यहाँ पे इसका मैं रीज़न भी आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो आज 57 स्कोर के साथ हमें देखने को मिल रहा है ग्रीड कंडीशन में। जो हमने देखा था कल भी 62 स्कोर के साथ हमें ग्रीड में देखने को मिला था। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूँ तो भाई 52 स्कोर के साथ हमें न्यूट्रल पोजिशन में देखने को मिला था। और लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूँ तो 60 स्कोर के साथ हमें एक ग्रीडी कंडीशन पे हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें देखने को मिला था। तो भाई ये तो हो गए हमारे मार्केट के हालात, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के हालात। अब शेयर करना चाहूँगा कि क्या क्या न्यूज़ हमें देखने को मिली। एक तो भाई ये मुझे देखने को मिला, SEC सूस जैक पॉल ओवर अ क्रिप्टो प्रमोशन। जी बिल्कुल, हमने देखा होगा जैक पॉल इज़ वन ऑफ द फेमस जो यूट्यूबर है, तो उसकी तरफ से हमने देखा है कि SEC ने क्या किया है, उसको सूइंग किया है यूट्यूब पर्सनलिटी जैक पॉल को, कि उन्होंने क्या किया है जो क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC इज सूइंग यूट्यूब पर्सनलिटी जैक पॉल ओवर द प्रमोशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी कनेक्टेड टू द ट्रोन ऑफ जस्टिन सन। जी बिल्कुल, उसके साथ जो जस्टिन सन के साथ इसका जो कनेक्शन था उसी वजह से। और मोर ओवर द SEC अक्यूजिंग पॉल ऑफ अ पेड प्रोमोशन एसेट्स कनेक्टेड विद द सन विदाउट डिस्क्लोजिंग दोज पेमेंट टू द पब्लिक। जी बिल्कुल, यहाँ पे उसने बिना बताए, बिना कुछ किए उन्होंने क्या कर दिया कि भाई उसके ट्रोन के फाउंडर के या कोई और जो पेड प्रोमोशन थे तो उसी वजह से उनको प्रमोट किया है। तो अब इसी वजह से हमने देखा कि SEC ने जो जैक पॉल के ऊपर काफ़ी एक लीगल नोटिस वगैरह जाहिर किया, एक तो चीज़ हमें ये देखने को मिली। वहीं पर अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि SEC ने सिर्फ लॉगन पावर जैक पावर की तरफ नहीं, और हमने देखा कि ट्रोन के जस्टिन सन को भी जो कैश सूज किया है। आप देख सकते हैं कि SEC सूज ट्रोन जस्टिन सन फॉर फ्रॉड मार्केटिंग मैनिपुलेशन। जी बिल्कुल, मार्केट मैनिपुलेशन करने के लिए SEC ने क्या किया है, जो हमने देखा कि जस्टिन सन को भी हायर कर लिया है। तो भाई ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिली। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो ट्रोन की जो क्वाइन था उसकी जो प्राइस थी उसमें भी हमने देखा था कि एक तकरीबन एक अच्छा खासा पंप डंप हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि 8.3% जो है ट्रोन अभी भी डाउन जा चुका है इसी न्यूज़ आने के बाद। एक तो ये न्यूज़ हो गई, दूसरी अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगा SEC, तो भाई टूडे कॉइनबेस रिसीव्ड अ वेल्स नोटिस फ्रॉम द SEC फोकस ऑन स्टेकिंग एसेट्स एंड लिस्टिंग अ वेल्स नोटिस टिपिकली प्रेसिडेंट एंड इन्फॉर्मेट्स एक्शन। जी बिल्कुल, यहाँ पे SEC ने क्या कर दिया है, कॉइनबेस के ऊपर भी एक पोटेंशियल सिक्योरिटी चार्जेस के ऊपर से एक वार्न भेज दिया है, एक नोटिस भेज दिया है। तो हमने देखा है कि जैसे जैसे मार्केट स्टेबल होने की कोशिश करती है वहीं पे जो होता है कि भाई जो SEC है वो पता नहीं हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करता रहता है, जिस वजह से हमने देखा है कि मार्केट को एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड की तरफ जाना पड़ता है। आई डोंट नो
कि ये SEC ऐसा क्यों करता है, लेकिन क्या रीज़न है, या ये भी हमारे बेनिफिट्स के लिए होता है क्योंकि काफ़ी जो फ्रॉड्स होते हैं वो अब उनको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी SEC के रिलेटेड मुझे आपके साथ ये 3 न्यूज़ें शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा कि ना आपके साथ शेयर की जाए। मुझे उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आएगी, और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।